और गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 में हम लोग आज क्या करना है, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स में टॉपिक पढ़ेंगे मोर अबाउट सॉल्ट्स। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं बहुत सारे रिएक्शन में कि सॉल्ट्स का प्रिपरेशन डिफरेंट रिएक्शन में कैसे होता था। हम लोग देखते थे जैसे कि जिंक का जब SPSO4 से रिएक्शन हुआ था तो जिंक सल्फेट नाम का सॉल्ट था। फिर हम लोगों ने देखा था कि कैसे किसी मेटल कार्बोनेट में जैसे सोडियम के कार्बोनेट में HCl वगैरह डाले थे तो किस तरह से सॉल्ट बना था, मेटल ऑक्साइड्स में एसिड डालते थे तो सॉल्ट बनता था, और फिर नॉन मेटल के ऑक्साइड में बेस डालने से भी सॉल्ट्स बनता था, तो डिफरेंट सॉल्ट्स बनते थे। अब हम लोग को थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा और जानना, ये जानना ज़रूरी है कि सॉल्ट्स कैसे बनते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और डेली लाइफ में उसका क्या यूज है। इसीलिए टॉपिक है मोर अबाउट सॉल्ट्स। कुछ सॉल्ट्स के नाम तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया, हमने डायरेक्ट उसका फॉर्मूला लिख दिया है, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, किताब में मैग्नीशियम सल्फेट भी दिया, हमने भी छोड़ दिया है, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट इसका नाम है, सोडियम एसीटेट, अमोनियम क्लोराइड। अब ये सब सॉल्ट जो हम लोगों ने लिखा है इसमें से तुम गौर करोगे तो देखोगे कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे पहला लाइन कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। इसका निगेटिव वाला पार्ट जो सॉल्ट में शुरू फार्मूला का जो शुरू वाला हिस्सा है नॉर्मली वो पॉजिटिव रेडिकल कहलाता है, क्योंकि जब हम लोग बॉन्ड पढ़ेंगे तो देखेंगे इधर प्लस चार्ज बनता है और ये माइनस चार्ज बनता है। और जो सेकेंड वाला पार्ट इसका है जैसे सल्फेट, इसमें जितने भी सल्फेट 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 सल्फेट, ये निगेटिव रेडिकल कहलाता है। सिमिलरली जब पोटासियम नाइट्रेट में पोटासियम पॉजिटिव रेडिकल और नाइट्रेट निगेटिव रेडिकल, सोडियम नाइट्रेट में सोडियम पॉजिटिव रेडिकल, नाइट्रेट निगेटिव रेडिकल, सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव रेडिकल और क्लोरीन निगेटिव रेडिकल। तो इसमें देखते हैं सल्फेट 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 निगेटिव रेडिकल कॉमन है, तो ये चारों सॉल्ट सेम फैमिली का हो गया, बोल देंगे सल्फेट फैमिली का सॉल्ट। अब अगर हम इसमें देखें सोडियम सल्फेट, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, तो इसमें देखेंगे क्या क्लोरीन 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 यानी क्लोराइड 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 कॉमन है, निगेटिव वाला हिस्सा कॉमन है, ये भी सेम फैमिली का होगा, लिख देंगे बिलोंग टू क्लोरीन फैमिली। यहाँ पर देखें अमोनिया सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, तो इसमें देखेंगे पॉजिटिव वाला पार्ट सोडियम 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 कॉमन है, तीनों सॉल्ट में सोडियम कॉमन है इसलिए सेम फैमिली का होगा, और सोडियम कॉमन है इसलिए सोडियम फैमिली का होगा। इसलिए सेम फैमिली किसको कहते हैं सॉल्ट्स का, सॉल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल। फिर जैसा हमने कहा सॉल्ट का शुरू वाला हिस्सा पॉजिटिव रेडिकल है जिस पर प्लस चार्ज होता है, और बाद वाला हिस्सा नेगेटिव चार्ज होता है उसको नेगेटिव रेडिकल कहते हैं। तो पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल अगर कॉमन है तो सेम फैमिली का कहलाएगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम कॉमन है पॉजिटिव वाला सोडियम फैमिली का, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड कॉमन है निगेटिव रेडिकल कॉमन है फिर भी सेम फैमिली का होगा और ये क्लोराइड फैमिली का कहलाएगा। ठीक, दूसरी बात है इसमें हम लोग देखेंगे क्या देखना चाहेंगे कि सॉल्ट्स बनते कैसे हैं, इसमें बना किससे है, और उससे रिलेटेड एक अलग चीज़ हम लोग पढ़ेंगे पीएच ऑफ सॉल्ट्स, पीएच ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स का पीएच ये तो हम लोग जानते थे पहले से, पीएच ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.2.1। अब इसको हम लोग पहले से जान रहे हैं कि एसिड का पीएच 7 से कम होता है, बेस का पीएच 7 से अधिक होता है, न्यूट्रल का पीएच 7 होता है। तो एसिड का तो जानते हैं, बेस का जानते हैं, सॉल्ट का कितना होगा दैट वी वांट टू नो। तो जरा हम लोग पहले जानें सॉल्ट का नेचर कैसा होता है, क्या सभी सॉल्ट्स न्यूट्रल हैं। हम लोग तो पहले पढ़े थे न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस की रिएक्शन से न्यूट्रलाइजेशन होता है, जो सॉल्ट बनता है न्यूट्रल होता है, बट क्या सभी सॉल्ट न्यूट्रल है ये हमको जानना है। इसके लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि कोई सॉल्ट बनता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड की बात करें, ये एक सॉल्ट है, तो जरा हम लोग देखें कि ये किससे बना होगा, ये सॉल्ट किस सॉल्ट बनता किससे, बेस प्लस एसिड, बेस प्लस एसिड से बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर होता है, एंड वाटर। तो वाटर की तो बात छोड़ो, अभी इनको सॉल्ट के बारे में बात, तो जरा देखें कि किस बेस से बना है। तो उसका सीधा फॉर्मूला है कि सॉल्ट का जो शुरू वाला फॉर्मूला के हिस्सा में है
उसमें तुमको हाइड्रोक्साइड लगाना पड़ेगा। और है कि हाइड्रोक्साइड में क्या लगेगा, उसको फॉर्मूला लिखने आना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। शुरू वाले पार्ट में OH लगा दो, बेस तैयार हो गया, क्लियर हो गया कि ये सॉल्ट इसी बेस से तैयार हुआ है। प्लस अब ये Cl, ये एसिड से आया होगा, निगेटिव रेडिकल एसिड से आता है, तो Cl के बाद नहीं लगा दो, उससे पहले H लगाना पड़ेगा। ध्यान रहे, शुरू वाले में OH लगाना है, बाद वाले पार्ट से पहले एच लगाना है, तो ये एसिड तैयार हुआ। और तुम दोनों इन दोनों का रिएक्शन करके देखोगे तो सर्टनली यू विल सी कि Na और Cl, NaCl बनेगा और प्लस वाटर बनेगा। ये रिएक्शन तुम पहले किताब में देख चुका होगा। तो ये सॉल्ट जो तैयार हुआ उसमें ये बेस और ये एसिड था। अब यहाँ पर एक चीज़ और जानना जरूरी है कि बेस और एसिड वो भी काफी कैटेगराइजेशन हुआ है। कुछ बेसिस स्ट्रांग होते हैं, कुछ बेसिस वीक होते हैं, एसिड भी कुछ एसिड स्ट्रांग होता है, कुछ वीक होता है। और उसका क्राइटेरिया हम लोग बोले थे, उसको वाटर में डिजॉल्व करने से उसका आयोनाइजेशन कितना होता है, लगभग लगभग 100% के आसपास हो जाता है, तो उसको स्ट्रांग कहते हैं। और यदि पार्शियली होता है तो उसको वीक कहते हैं। तो यदि ये स्ट्रांग है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग बेस है और HCl का स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट होता है न्यूट्रल नेचर का, और इस सॉल्ट का जो pH है वो सेवन होगा। इस पर अगर लिटमस पेपर डालोगे तो ना ब्लू वाला रेड होगा ना रेड वाला ब्लू होगा। तो ये नियम आया कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट न्यूट्रल नेचर का होता है, ऐसे सॉल्ट का pH 7 होगा। सो दिस इज वन थिंग। अब जरा कुछ और दूसरा सॉल्ट देखते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल हम लोग जरा देखते हैं सोडियम, सोडियम कार्बोनेट का नाम हम लोग सुने होते हैं सोडियम कार्बोनेट। अभी जैसा कि हमने कहा इसका शुरू वाला हिस्सा सोडियम है, इसमें हाइड्रोक्साइड लगा दो, और बाद वाला हिस्सा कार्बोनेट है, इससे शुरू में हाइड्रोजन लगा दो, तो हाइड्रोजन दो लगेगा कार्बोनिक एसिड तैयार होने के लिए। एसिड का नाम पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, तो CO3 कार्बोनिक एसिड से बना। ये अभी अभी चर्चा की स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसके बारे में अभी चर्चा की कि वीक एसिड है, और इन दोनों को मिलाओगे तो एसिड बनेगा, माइनस करेंगे 2 लगेगा, Na2CO3 और वाटर प्लस वाटर बनेगा। तो ये जो सॉल्ट तैयार हुआ ये बना है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से। स्ट्रॉन्ग बेस अगर मजबूत स्ट्रॉन्ग हो, एसिड कमजोर हो, उससे मिलाकर सॉल्ट बना हो, तो जो स्ट्रॉन्ग है उसका असर रह जाता है। इस तरह का सॉल्ट जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और यदि सॉल्ट बेसिक नेचर का है तो उसका pH 7 से ज़्यादा हो नहीं होगा। यानी इसमें ब्लू लिटमस तो कुछ नहीं होगा, लेकिन रेड लिटमस डालोगे तो ब्लू हो जाएगा, और pH पेपर पे यूज करोगे तो 7 से ज़्यादा जैसा कलर होना चाहिए उस तरह का कलर शो करेगा। ठीक है, एक सॉल्ट और लेते हैं, दूसरा सॉल्ट लेते हैं अमोनियम क्लोराइड लेते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। जैसा कि बताया शुरू वाले में OH लगा दो, NH4 में OH लगा दो, ये पता चल गया ये बेस है, और Cl बाद में उससे पहले H लगा दो, तो ये एसिड हो गया। अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, वीक और स्ट्रॉन्ग के बारे में तुम्हें अलग से बुक में देखना पड़ेगा, कौन कौन एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन बेस स्ट्रॉन्ग है। और इस दोनों को मिलाने से जो सॉल्ट बनेगा NH4Cl बनेगा। सॉल्ट कैसे बनता है बता दें, बेस का शुरू वाला हिस्सा और एसिड का बाद वाला हिस्सा मिलकर सॉल्ट बनता है। ये शुरू वाला और ये बाद वाला मिलकर सॉल्ट बनता है NH4 और C, और एच इसका एसिड का एच और इसका बेस का OH मिलकर वाटर बनता है अब देखते हैं वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है। तभी अभी बताया था जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी का असर दिखता है सॉल्ट में, तो द सॉल्ट इज एसिडिक, सॉल्ट हो गया एसिडिक, और यदि सॉल्ट का नेचर एसिडिक है तो इसका pH होगा 7 से लेस, और ये ब्लू लिटमस डालोगे तो इसको रेड कर देगा, ब्लू लिटमस डालोगे तो इट विल बिकम रेड, उसको रेड कर देगा, रेड लिटमस डालोगे तो कुछ नहीं। तो सॉल्ट्स के भी pH होते हैं, और तीनों तरह के होते हैं, 7 भी होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेने पर न्यूट्रल सॉल्ट तैयार होता है, उसका pH 7 होता है,
बेस अगर वीक हो, स्ट्रांग एसिड हो तो एसिडिक सॉल्ट तैयार होता है, पीएच 7 से लेस होता है। बेस स्ट्रांग हो, एसिड वीक हो तो बेसिक नेचर का सॉल्ट तैयार होता है, 7 से पीएच ज़्यादा होता है। एक हमने कॉम्बिनेशन नहीं लिया कि एसिड भी वीक हो और बेस भी वीक हो तो सॉल्ट कैसा है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 11th क्लास में उस पर चर्चा है। कैलकुलेशन करके पीके ए वैल्यू या पीके बी वैल्यू निकालना पड़ता है, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तब जाकर पता चलता है कि हल्का सा एसिडिक या बेसिक, डिपेंडिंग अपॉन कोई वीक एसिड है और वीक बेस है तो कितना वीक है, उसका डिग्री ऑफ वीकनेस कितना है, किस लेवल का वो वीक है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन से निकालना पड़ता है, जो 10th क्लास में पॉसिबल नहीं है समझा सिलेबस में। अब क्या है, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट को हम लोग टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला है और डेली लाइफ में हम लोग भोजन में, फूड में डेली यूज करते हैं सोडियम का क्लोराइड। अभी अभी चर्चा की है, सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल नेचर का सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है। और ये इतना यूजफुल है, इतना जरूरी है डेली लाइफ के लिए, इसके बिना बड़ा मुश्किल होता है लाइफ जीना। जब कोई फास्टिंग करते हैं कभी 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 विदाउट सॉल्ट वाला वो डे दिन गुजारते हैं, बाकी दिन भर में खाना जरूरी होता है। अब सवाल यह है कि इसका सोर्स क्या है सोडियम क्लोराइड का। सभी जानते हो कि सी वाटर में बहुत ज़्यादा मात्रा में सोडियम का क्लोराइड नाम का सॉल्ट होता है, और इसके अलावा भी अदर सॉल्ट्स भी होते हैं। तो सारे सॉल्ट्स अगर मिले हो तो उसमें से सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करने का मेथड है, जो अभी 10th में नहीं है, उससे सेपरेट कर लिया जाता है। इसका मतलब सी वाटर इज द सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट, पहली बात। दूसरी बात क्या है, बहुत जगह सॉलिड सॉल्ट भी अर्थ के क्रस्ट में, जमीन के नीचे में मिलता है, सॉलिड के रूप में जहाँ मिलता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी रहती है, इसलिए उसका कलर ब्राउन होता है, उसका नाम होता है रॉक सॉल्ट। कहा जाता है कि सीज ऑफ बाइगोन एजेज, बहुत पुराने युगों के, बहुत बहुत युगों के पहले अगर कहीं का सी ड्राइड अप हो गया तो वहाँ सॉल्ट जो है का बेड तैयार हो जाता है, बेड्स, और वो रॉक सॉल्ट होता है। और उसको हम लोग जिस तरह से कोल को माइनिंग करके निकालते हैं, रॉक सॉल्ट को भी निकालते हैं। हिस्ट्री में चर्चा आती है डांडी मार्च महात्मा गांधी का, अंग्रेजों ने जब मना किया था कि सॉल्ट आप नहीं बना सकते तो डांडी मार्च किया था, कहा था कि बिना नमक के लाइफ कैसे चलेगा। तो ये हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं। अब ये कॉमन सॉल्ट से केमिकल कौन कौन सा बना सकते हैं, तो बहुत सारे केमिकल्स बन सकते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन सकता है, वाशिंग सोडा बन सकता है, वाशिंग सोडा फॉर्मूला देने बाद में बेकिंग सोडा बन सकता है, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर बन सकता है, ये सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। बट मेन मुख्य मुख्य चीज़ें जो क्लास 10 के लायक हैं, ये सभी चीज़ें बन सकती हैं, यानी रॉ मटेरियल होगा कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट एज दी रॉ मटेरियल, कॉमन सॉल्ट एज दी रॉ मटेरियल, कॉमन सॉल्ट की रॉ मटेरियल, कॉमन सॉल्ट एज दी रॉ मटेरियल, और एज दी रॉ मटेरियल, एज दी रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, फॉर केमिकल्स, यानी रॉ मटेरियल, यानी यहाँ से शुरू करो और केमिकल तैयार करो। तो सबसे पहले देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बन सकता है। तो हम लोग का टॉपिक है कॉमन सॉल्ट से स्टार्ट करना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। तो कहता है कैसे बनेगा, तो उसके लिए तुम्हारे बुक में ज़्यादा डिटेल नहीं है, क्लास 10 में आ जाता है, तब जैसा सेल लिया जाता है जिसको कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, तब एक बड़ा सा डब्बा उसमें सोडियम क्लोराइड के साथ साथ पानी दिया जाता है, पानी मतलब ब्राइन भी इसको कई जगह बोलते हैं, मतलब नमक और पानी का घोल ले लेते हैं, सॉल्यूशन नमक का ब्राइन बोलते हैं,
डब्बे में लेकर उसमें फिर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड, और इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है। तो कैथोड पर जमा हो जाता है हाइड्रोजन गैस, एनोड पर जमा हो जाता है क्लोरीन गैस, और बाकी का सॉल्यूशन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है फर्स्ट सॉल्यूशन के रूप में, जिसको बाद में हम लोग उसका पानी खोला के क्रिस्टलाइजेशन करेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इस प्रोसेस में क्लोरीन बना है और इसको अल्कली कहते हैं, जो बेस पानी में घुलता है उसको अल्कली कहते हैं। एक अल्कली और एक क्लोरीन इस मेथड से इसको बनाया जाता है, उसको कहा जाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो ज़्यादा डिटेल्स में तुमको समझ में नहीं आएंगे, यही समझो कि ये बना। अब तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, सोडियम कहाँ चला गया, हाइड्रोक्साइड में कैसे चला गया। डिटेल्स में जब हायर क्लासेस में जाओगे तो सोडियम का आयन इसके पानी में डूब जाने से, डिजॉल्व होने से सोडियम का आयन और क्लोराइड का आयन बना है। वाटर से भी कुछ ना कुछ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं। हायर क्लास में इस बात की चर्चा है कैथोड पर जाकर ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, अभी तुमको उतना डिटेल में पता नहीं चलेगा आपको। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका जीरो होता है, इसका माइनस होता है, यानी ये हायर पावर का होता है। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अपना प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करके हाइड्रोजन बनाता है और ये वाटर में सोल्यूशन में जाता है। इन दोनों में से क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज छोड़कर क्लोरीन गैस बनाता है, इसका मतलब पानी में ये रह गया और ये रह गया, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, और बाद में क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये और ये मिलकर ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट, ये क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होता है। प्लस चार्ज इसलिए वो कैथोड में चला गया, केटायन, प्लस चार्ज को केटायन कहते हैं, और ये माइनस है एनायन, इसलिए एनोड में चला गया। ज़्यादा डिटेल्स क्लास 10 में भी नहीं। इस तरह से हम लोग देखें क्या नमक से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे थे और बाद में दो चीज़ और बन गया, कौन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। और ये सब कैसे बड़ा यूजफुल है, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल होता है। और अभी क्लास 10 में हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड्स में पढ़ेंगे कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि सॉलिड होता है, डाल्टा की तरह देखने को होगा, मार्गेराइन बोलते हैं, वो बनाते हैं। हाइड्रोजन से अमोनिया गैस बनाएंगे, अमोनिया गैस से फर्टिलाइजर बनेगा, ये बड़ा काम का है। क्लोरीन सब जानते हैं, स्विमिंग पूल में डिसइंफेक्टेंट के रूप में स्विमिंग पूल में भी डालते हैं, वाटर पीने वाला ड्रिंकिंग वाटर पूल में भी इसको डालते हैं डिसइंफेक्टेंट के रूप में। एक तो होता है क्लोरो फ्लोरोकार्बन, CFC का नाम सुना होगा, उसको बनाने में PVC वायरिंग वगैरह के ऊपर में जो कवर बनाते हैं उसके रूप में काम आता है। पेस्टिसाइड बहुत तरह के बना, बहुत काम कर दीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोप इंडस्ट्री में और डिटर्जेंट की इंडस्ट्री में काम आता है, पेपर बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में, और तो कहते हैं बहुत सारे मेटल को डीग्रीसिंग करने में भी काम। इन दोनों को मिला दोगे तो HCl बनेगा, के रिएक्शन से HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कॉस्मेटिक बनते हैं, मेडिसिन बनते हैं, और अमोनियम क्लोराइड बनता है जो कि अपने आप में एक फर्टिलाइजर या सॉल्ट्स है केमिस्ट्री लैब के लिए। इन दोनों को मिलाने से बनता है NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये हाउस होल्ड मैंने घर के यूज में बहुत सारी गंदगी या दाग धब्बा को मिटाने के लिए बोलते हैं, हाउस होल्ड ब्रिज के रूप में, हाउस होल्ड मैंने घर गृहस्थी में काम आने वाला, और ब्लीच का मतलब होता है दाग धब्बा मिटाने वाला, हाउस होल्ड ब्लीच के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द, तो एक केमिकल सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ सोडियम क्लोराइड से, यानी कॉमन सॉल्ट से। और भी हम लोग चर्चा जैसे कल नेक्स्ट में करेंगे, इससे वाशिंग सोडा कैसे बनता है, इससे बेकिंग सोडा कैसे बनता है, इससे ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, ये हमारे सिलेबस में ऐसे तो सोडियम क्लोराइड से बहुत सारे केमिकल बनते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, इलेक्ट्रोलाइसिस से। इसके इलेक्ट्रोलाइसिस से एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से, और साथ में दो और चीज़ बना के हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है किताब में उसको बना के लाना है। थैंक यू।